आप कह लें कि इस वक्त पाकिस्तान में वन मैन आर्मी शो ही चल रहा है। इस वक्त जैसे कि आपको मालूम है कि हकूमत की जानिब से ARY का लाइसेंस मंसूख कर दिया गया है। पहले पैमरा के ज़रिए ARY की नशरियात बंद करवाई गईं। इसके बाद जब कोर्ट ने हुक्म दिया कि ARY की नशरियात बहाल की जाएं, इसके बाद राणा सनाउल्ला ने ARY का लाइसेंस ही मंसूख कर दिया। अब देखें, कोर्ट में जाने के बाद ARY को लाइसेंस वापस मिलता है या नहीं। अब जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इसके बाद जैसे इमरान खान 13 जमातों पर भारी पड़े हुए हैं, इसी तरह ARY भी बाकी चैनल्स पर भारी पड़ा हुआ था। सारी व्यूअरशिप ARY ने ले ली थी, इसीलिए पहले ARY को रास्ते से हटाया गया और इसके बाद इमरान खान को हटाया जाना है। इसका प्लान बनाया है इंपोर्टेड हकूमत ने। ARY की जगह एक और चैनल बोल टीवी ने ले ली है और अब बोल टीवी बाकी चैनलों पर भारी पड़ना शुरू हो गया है। कितनी रेटिंग ली है कल रात जलसे में बोल टीवी ने आपको दिखाते हैं। अब लोगों ने मुकम्मल बायकॉट कर दिया है इन 13 जमातों के साथ साथ इन 14-15 चैनल्स का भी, जो भारी फंड हासिल करते हैं हकूमत से। अब ARY को बंद करने के बाद जियो को सबसे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अवाम ने बोल टीवी को 41% रेटिंग दे दी है, यानी कि कल रात 41% पाकिस्तान के लोग बोल टीवी देख रहे थे। 17% जियो न्यूज़, 11% दुनिया और समा न्यूज़ तो 1% तक पहुंच चुका है। इस कदर अवाम ने इनका बायकॉट कर दिया है। अब हमेशा ARY पहला और जियो दूसरा होता था, अब ARY पहला होगा, बोल टीवी दूसरा और जियो तीसरा। जब तक ARY बंद है तब तक बोल पहला और जियो दूसरा होगा। आपकी इसमें क्या राय है दोस्तों, जो लोगों ने इन 13 जमातों के साथ साथ इन चैनल्स का भी बायकॉट कर दिया है।